हेलो प्यारे बच्चों, ना रुकना है ना थकना है, ना रुकना है ना थकना है, जब भी टाइम मिले आपको करना है। बच्चों पढ़ाई तो करना है, आप इसे भाग नहीं सकते। आज नहीं तो कल आपको पढ़ाई तो करना पड़ेगी ही। तो बच्चों आज से ही आप हमारे साथ रोज़ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, जिससे आपको लास्ट टाइम में एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा बर्डन ना पड़े। इसलिए मैंने कहा ना रुकना है ना थकना है, जब भी टाइम मिले आपको पढ़ाई करना है। तो बच्चों हम भी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज हम सीखेंगे थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपांड करते हैं और उसको कितने तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ लिखना स्टार्ट कर दीजिए और हेडिंग लिखिए डिटरमिनेंट। आज के लेक्चर की हेडिंग लिखिए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 इसका मतलब होता है ऐसा डिटरमिनेंट जिसमें 3 रो हो और 3 कॉलम हो। तो चलिए बच्चों बनाते हैं ऐसा डिटरमिनेंट। तो कल मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट मतलब दो वर्टिकल डंडे। कभी भी आपको डिटरमिनेंट बनाना हो तो आपको दो वर्टिकल डंडे बना दो, दो वर्टिकल लाइन बना दो, ध्यान रखना। और डिटरमिनेंट को हम डिनोट करते हैं डेल से या फिर डी से, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो। तो डिटरमिनेंट मतलब दो वर्टिकल डंडे, उसको डिनोट किसे करते हैं, या तो डी से या फिर डेल से। ऑर्डर 3 का मतलब होता है हमें 3 रो बनानी है और 3 कॉलम बनाने हैं। तो बनाते हैं 3 रो। तो बच्चों क्या आएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बच्चों अब इसको ध्यान से देखो, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। तो बच्चों जो पहली रो है उसको बोलते हैं R1 फर्स्ट रो, और जो सेकेंड रो है उसको बोलते हैं R2, और जो थर्ड रो है उसको बोलते हैं R3। रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। और बच्चों जो कॉलम है उसे बोलते हैं C1 C2 C3। तो बच्चों जो पहला कॉलम है उसे बोलते हैं C1, और जो दूसरा कॉलम है उसे बोलते हैं C2, और जो तीसरा कॉलम है उसे बोलते हैं C3। तो बच्चों इस डिटरमिनेंट में 3 रो है R1 R2 R3 और 3 कॉलम है C1 C2 C3। तो बच्चों यही वजह है कि हम इस डिटरमिनेंट को 6 तरीकों से एक्सपांड कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, 6 तरीकों से एक्सपांड कर सकते हैं। या तो आप R1 से एक्सपांड करो यूजिंग R1, या फिर R2, या फिर R3, या फिर C1 C2 C3। तो बच्चों आप इस डिटरमिनेंट को 6 तरीकों से एक्सपांड कर सकते हो। इस डिटरमिनेंट को कितने तरीकों से एक्सपांड कर सकते हो, 6 तरीकों से, क्योंकि इसमें R1 भी है, R2 भी है, R3 भी है, C1 भी है, C2 भी है, C3 भी है। तो आप किसी भी तरीके से एक्सपांड कर सकते हो। आपको एग्ज़ाम में 6 तरीकों से एक्सपांड नहीं करना है, एग्ज़ाम में केवल एक ही तरीके से करना जो आपको अच्छा लगे। आपका मन करे कि मुझे R3 से एक्सपांड करना है तो आप R3 से कर दे, आपका मन करे कि मुझे R1 से एक्सपांड करना है तो आप R1 से एक्सपांड करें, आपका मन करे आपको C3 से एक्सपांड करना है आप C3 से करें। आप किसी भी रास्ते से एक्सपांड करो, सबका आंसर सेम ही आएगा। जी बच्चों, सबका आंसर सेम ही आना है। आप किसी भी रास्ते से एक्सपांड करो, सबका आंसर सेम ही आएगा। तो बच्चों आज मैं आपको इन रास्तों से 1 बाय 1 एक्सपांड करना सिखाऊंगा। बच्चों एक्सपांड करने से पहले आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगी, वो है साइन कन्वेंशन। अगर डिटरमिनेंट को एक्सपांड करना है तो आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है जिसका नाम है साइन कन्वेंशन। क्या नाम है? साइन कन्वेंशन।
अच्छा आपको इसको भी याद रखना पड़ेगा, तो पहले इसको याद कर लीजिए। और ये आया कैसे, इसका आने का फॉर्मूला क्या है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगा। तो बच्चों पहले तो मैं बता दूँ साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है आप तो याद कर ले। यहाँ पर पहला प्लस आता है, रट ले पहला प्लस आता है, तो यहाँ पे आया प्लस, प्लस के बाद क्या आएगा माइनस, माइनस के बाद प्लस, अल्टरनेट चलाते हो प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। तो बच्चों ये साइन कन्वेंशन है, इसी की मदद से हम डिटरमिनेंट एक्सपांड करते हैं। तो एक्सपांड थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले तो मैं बताता हूँ ये साइन कन्वेंशन किस फॉर्मूले से आया। तो बच्चों आपको बता दूँ ये साइन कन्वेंशन किस फॉर्मूले से आया, साइन कन्वेंशन किस फॉर्मूले से आया वो भी आप सुन लीजिए। तो साइन कन्वेंशन का फॉर्मूला है माइनस वन की पावर आई प्लस जे, माइनस वन की पावर आई प्लस जे, ठीक है बच्चों। इसी फॉर्मूले से ये साइन डिराइव हुए, अब मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर माइनस वन की पावर कोई इवन नंबर है, माइनस वन की पावर कोई भी इवन नंबर है, जैसे आपने माइनस वन की पावर टू रखी, तो बच्चों आंसर क्या आएगा प्लस वन, मतलब प्लस में आएगा। आप माइनस वन की कोई भी इवन पावर सोच के देखिए, उसका आंसर प्लस में आना है, मतलब प्लस वन आएगा, मतलब प्लस आएगा। और माइनस वन की पावर आप कोई भी ऑड नंबर रखिए, कोई भी ऑड नंबर रखिए, जैसे आपने माइनस वन की पावर वन रखी तो आंसर माइनस वन आएगा, माइनस वन की पावर थ्री रखी तो भी माइनस वन आएगा। तो बच्चों माइनस वन की पावर ऑड नंबर आपको हमेशा क्या मिलेगा माइनस वन, मतलब क्या मिलेगा माइनस। तो ध्यान रखना बच्चों माइनस वन की पावर अगर इवन है तो प्लस में आंसर आता है, और माइनस वन की पावर ऑड है तो आंसर माइनस में आता है। अब आप इस फॉर्मूले को देखें, इस फॉर्मूले में आ रहा है आई और जे, आई और जे एलिमेंट की पोजीशन बताते हैं, आई और जे एलिमेंट की क्या बताते हैं पोजीशन। जैसे आप इस डिटरमिनेंट को देखो, यहाँ पर लिखा है वन वन, इसका मतलब पहली रो पहला कॉलम, वन का मतलब रो, सेकंड वाले वन का मतलब कॉलम, तो वन वन का मतलब होता है पहली रो पहला कॉलम एलिमेंट। तो बच्चों इस ए वन वन में आई की वैल्यू क्या है वन, और जे की वैल्यू क्या है वन, जो आगे वाला है वो आई होता है, जो बाद वाला है वो जे होता है, तो आई की वैल्यू वन है, जे की वैल्यू वन है। अब इन दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखो, ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले रखो, तो आई की जगह वन रखा, जे की जगह वन रखा, तो वन प्लस वन क्या हुआ टू, और माइनस वन का स्क्वेयर क्या होता है माइनस वन का स्क्वेयर, स्क्वेयर मतलब इवन नंबर क्या होता है प्लस वन, मतलब प्लस, मतलब इसका साइन क्या आया प्लस आया, सन में नहीं आया कोई बात नहीं। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखा है वन टू, यहाँ पर क्या लिखा है वन टू, तो आई की वैल्यू क्या हो गई वन, जे की वैल्यू क्या हो गई टू। अब आई की वैल्यू वन जे की वैल्यू टू इस फॉर्मूले में रखो, तो आई की जगह रखा वन, जे की जगह रखा टू, तो वन प्लस टू क्या हुआ थ्री, और माइनस वन का क्यूब आपको क्या मिलेगा माइनस मिलेगा, तो इसका साइन क्या हुआ माइनस। चलो मैं आपको याद करवाया, तो इन दोनों को प्लस करने पर अगर इवन आता है, इन दोनों को प्लस करने पर अगर इवन आता है तो प्लस साइन आएगा, और प्लस करने पर ऑड आता है तो क्या आएगा माइनस। अब याद कर लो, इनको प्लस करो, वन और वन क्या हुआ टू, टू क्या हुआ इवन, तो इवन में आएगा प्लस। वन और टू को प्लस करो क्या आएगा थ्री, तो थ्री आ रहा है, अगर ऑड आता है तो माइनस आएगा। वन और थ्री को प्लस करो क्या आएगा फोर, और फोर क्या होता है इवन, तो इवन में क्या आएगा प्लस। टू और वन को प्लस करो थ्री, तो थ्री में क्या आएगा माइनस, ऑड में क्या आता है माइनस। टू और टू को प्लस करो फोर, फोर में क्या आएगा प्लस आया सन में। थ्री और थ्री को प्लस करो सिक्स आ रहा है, सिक्स इवन नंबर है तो प्लस। तो बच्चों आया सन में ये साइन कैसे डिराइव हुए, ये साइन कैसे आए, इस फॉर्मूले से आए। अगर प्लस करने पर इवन आता है, अगर प्लस करने पर, इन दोनों को प्लस करने पर इवन आता है तो प्लस साइन आएगा, और इन दोनों को प्लस करने पर ऑड आता है तो क्या होगा माइनस साइन। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बच्चों इस डिटरमिनेंट को अब एक्सपांड करना सीखते हैं। तो बच्चों ये साइन मिटा दे, ये साइन आपको समझ में आ गया होगा, ये नीचे का मिटा देता हूँ,
ये भी मिटा देता हूँ। तो बच्चों अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि इस डिटरमिनेंट को इन रस्तों से कैसे एक्सपांड करते हैं, कुछ रस्तों से बताता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे तो खुद ही कर लेना। पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ आर वन रस्ते से इसको कैसे एक्सपांड करें। तो बच्चों आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी ऑन सॉल्विंग या एक्सपांडिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, ऑन सॉल्विंग या फिर एक्सपांडिंग, कुछ भी आपको लिखना हो लिख दो, ऑन सॉल्विंग बाय आर वन। ठीक है बच्चों, अगर आपको आर वन से एक्सपांड करना हो, सॉल्व करना हो, तो आर वन के एलिमेंट्स पर सर्कल लगा दो। अगर आपको आर वन से सॉल्व करना हो तो आर वन के एलिमेंट पर सर्कल लगा दो, मतलब आपको इन तीनों से एक्सपांड करना है। ठीक है बच्चों, अब इन तीनों का करस्पॉन्डिंग साइन लगा दो। तो बच्चों इसका साइन क्या है, आर वन, ये ना प्लस माइनस प्लस। तो बच्चों बताओ ए वन वन का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पर लिख दो प्लस। अभी इसको मिटा रहा हूँ, पर इसका साइन क्या है, प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस। तो बच्चों ध्यान रखना, जिससे भी एक्सपांड कर रहे हो उसके एलिमेंट पर सर्कल लगा दो। अब इनके करस्पॉन्डिंग साइन बना दो, प्लस माइनस प्लस, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस। अब आपको वन बाय वन एक एक एलिमेंट उठाना है, पहले इसको उठाएंगे, फिर इसको उठाएंगे, फिर इसको उठाएंगे। तो बच्चों पहले हम ए वन वन को उठाते, तो बच्चों इक्वल टू, इक्वल टू के इस साइड क्या चल रहा है, डेल, इक्वल टू के इस साइड क्या चल रहा है, डेल, मतलब हम डेल का आंसर निकाल रहे हैं। तो बच्चों बताओ पहले हम किसको उठाते हैं, पहले हम ए वन वन उठाते हैं, तो ए वन वन का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस ए वन वन। अब बच्चों जिसको आपने उठाया है उसकी रो छुपा लो, जिसको उठाया है उसकी रो छुपा लो, तो ये रो छुपा लो, और जिसको आपने उठाया उसका कॉलम छुपा लो। ध्यान समझना, जिसको उठाया है उसकी रो छुपा दो और कॉलम छुपा दो। ठीक है बच्चों, तो ये छुपाएंगे तो ये नीचे के चार एलिमेंट बचेंगे, इनका डिटरमिनेंट बना दो ऑर्डर टू का, इन चारों का डिटरमिनेंट बना दो ऑर्डर टू का। तो बच्चों क्या आएगा, 8 2 2 8 2 3 8 3 2 8 3 3 8 3 2 8 3 3। ठीक है बच्चों, अब बताओ अभी आपने किसको उठाया, ए वन वन, अब किसका टर्न, अब उठाएंगे ए वन टू को, और ए वन टू का साइन क्या है, माइनस, तो आएगा माइनस ए वन टू। अब जिसको उठाया है उसकी रो छुपा दो, जिसको उठाया है उसकी रो छुपा दो, तो ये गया रो गया, और उसका कॉलम छुपा दो, ये कॉलम गया, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, तो ये चार एलिमेंट बचेंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट बना दो ऑर्डर टू वाला। तो बचेगा 8 2 1 8 2 3 और 8 3 1 8 3 3। आ रहा है बच्चों समझ में, अगला आप बताओ, अब किसको, अभी आपने ए वन वन को उठाया, ए वन टू को उठाया, अब किसको उठाएंगे, ए वन थ्री को, और ए वन थ्री का साइन क्या है, प्लस, ए वन थ्री का साइन क्या है बच्चों, ए वन थ्री का साइन प्लस है। अब इसकी रो छुपा दो, इसका कॉलम छुपा दो, ये रो गई, ये कॉलम गया, तो ये चार एलिमेंट बचेंगे, इन चारों का क्या लिख दो, डिटरमिनेंट। तो बच्चों 8 2 1 8 2 2 8 3 1 8 3 2, तो यहाँ का 8 2 1 8 2 2 8 3 1 8 3 2। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि जब आप थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट ओपन करते हो, एक्सपांड करते हो, तो किस में रिड्यूस हो जाता है, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में। और कल पिछले वीडियो में आपको सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट सॉल्व करना बताया था, लेफ्ट टॉप से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये होता है लेफ्ट टॉप, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और बीच में माइनस साइन, इसका इंटू इससे करो, इसका इंटू इससे करो, बीच में माइनस साइन, इसका इंटू इससे करो, इसका इंटू इससे करो, बीच में माइनस साइन। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, पूरा आंसर एक नंबर में आ जाएगा। तो बच्चों आपने देखा आपने किससे एक्सपांड करना सीखा, आर वन से। अब मैं आपको सिखाता हूँ आर थ्री से, अब हम आपको आर थ्री से एक्सपांड करना सिखाते। बच्चों स्क्रीनशॉट लेके लिख लिया करो, क्योंकि यहाँ पर लिखने का मौका आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी आपको लगे जगह खाली है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप आराम से जब भी घर पर फ्री हो लिख सकती हो। तो बच्चों अब हम किससे एक्सपांड करना सीख रहे हैं, आर थ्री से। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे आर थ्री,
अब आप बताओ जिससे एक्सपांड करना है वो एलिमेंट पर सर्कल लगा दो, तो आप किससे एक्सपांड कर रहे हो? R3 से, तो R3 ये रहा। अब R3 के एलिमेंट कौन है? A31, A32, A33, तो बच्चों इस पर सर्कल लगा दो, इन तीनों पर के लगा दो सर्कल। अब आप इन तीनों के, ये साइन लगाना मत भूलना, अगर ये साइन आपने नहीं लगाए तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो बच्चों अब इन तीनों के करस्पॉन्डिंग साइन बता दो, तो बताओ इन तीनों के करस्पॉन्डिंग साइन क्या है? R3, किसका साइन? R3 का, क्योंकि ये कौन है? R3, तो R3 का साइन क्या हुआ? प्लस माइनस प्लस, तो इसका साइन हुआ प्लस, इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस। तो बच्चों अब हम इस R3 से एक्सपांड करेंगे, एक्सपांड क्या करना है? एक एक को उठाना है और उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छुपाना है, याद हुआ? एक एक को उठाना है और उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छुपाना है। तो बच्चों बताओ पहले किसको उठाएंगे? पहले हम उठाएंगे A31 को, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, इस साइड लिखेंगे डेल। अब हमने उठाया A31 को और A31 का साइन क्या है? प्लस, तो आएगा A31। अब इसकी रो छुपा दो, इसकी क्या छुपा दो? रो, और इसका कॉलम छुपा दो, इसकी रो छुपा दो, कॉलम छुपा दो, तो ऊपर के चार एलिमेंट आएंगे, इनका डिटरमिनेंट बना दो A12, A13, A22, A23। अब बच्चों किसको उठाएंगे? माइनस सेकेंड एलिमेंट को, उसका साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस A32। तो जल्दी बताओ इसका क्या आएगा? इसकी रो छुपाओ, इसका कॉलम छुपाओ, इसकी रो छुपाओ, इसका कॉलम छुपाओ, तो ऊपर के चार एलिमेंट आएंगे A11, A13, A21, A23। ठीक है बच्चों, अब हम किसको छुपाएंगे? सॉरी, अब हम किसको उठाएंगे? प्लस A33 को, तो हम उठा रहे हैं प्लस A33 को। तो जल्दी बताओ अगर आपने इसको उठाया तो इसकी रो छुपाओ, इसका कॉलम छुपाओ, तो ये ऊपर के चार एलिमेंट दिखेंगे A11, A12, A11, A12, A21, A22, A21, A22। आया बच्चों? अब हम सीखते हैं बाकी से, R2 वाला आप ट्राई करना। अब मैं आपको बताता हूँ C2 वाला। बच्चों अब मैं आपको इस डिटर्मिनेंट को कॉलम 2 से एक्सपांड करना सिखा रहा हूँ, तो ठीक है? तो बच्चों यहाँ पे एक लाइन लिख दो, ऑन सॉल्विंग फ्रॉम कॉलम 2। आ रहा है बच्चों? किसी से भी एक्सपांड कर सकते हैं, 6 रास्ते हैं एक्सपांड करने के। कितने रास्ते हैं? 6। किसी से भी करो, फाइनल आंसर सेम ही आता है। आप एक क्वेश्चन को 6 से बार 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 ट्राई करके देखना, तो आप क्या पाओगे? सबका आंसर सेम ही आ रहा है। अगर आंसर 1 का 5 आ रहा है तो बाकी से भी आंसर 5 ही आएगा। ट्राई तो करो, बिना ट्राई करे कैसे होगा? अब बच्चों अब हम कॉलम 2 से एक्सपांड करते हैं, तो कॉलम 2 से एक्सपांड करते हैं, तो ये जो पुराना वाला है इसको पहले मिटा दो, ये जो पुराना वाला है इसको पहले मिटा दो। अब बच्चों इसको भी मिटा दो। अब हम करते हैं कॉलम 2 से, किसे कर रहे हैं? कॉलम 2। कॉलम 2 मतलब होता है सेकेंड कॉलम। तो बच्चों कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन, तो ये पहली वर्टिकल लाइन, ये दूसरी वर्टिकल लाइन, तो जी हाँ बच्चों ये हुआ कॉलम सेकेंड। ये क्या हुआ? कॉलम सेकेंड। तो बच्चों कॉलम 2 से एक्सपांड करना है, तो आपको कॉलम 2 के एलिमेंट पर सर्कल लगा दो, कॉलम 2 के एलिमेंट पर क्या लगा दो? सर्कल। कॉलम 2 के एलिमेंट पर क्या लगा दो? सर्कल। ध्यान रहे कहीं से भी एक्सपांड हो सकता है, तो कॉलम 2 से भी कर सकते हैं। अगर आप कॉलम 2 से एक्सपांड कर रहे हैं तो कॉलम 2 के करस्पॉन्डिंग साइन क्या है बताओ? इसके करस्पॉन्डिंग साइन क्या है? माइनस प्लस माइनस, ध्यान रखना माइनस प्लस माइनस, तो इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस। अब आपको पहले माइनस लिखना है, क्योंकि आप कॉलम 2 से एक्सपांड कर रहे हो और कॉलम 2 की स्टार्टिंग माइनस से हो रही है। तो बच्चों यहाँ लिखो डेल। तो बच्चों पहले हम उठाएंगे A12 को और इसका करस्पॉन्डिंग साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस A12। आ रहा है समझ में? अब जिसको उठाया है उसकी रो और कॉलम डिलीट कर दो, हटा दो, छुपा दो, तो ये रो गई और इसी का कॉलम गया, रो गई कॉलम गया, तो ये चार नंबर बचेंगे, इनका डिटरमिनेंट लिख दो A21, A23, A21, A23, A31, A33। आप बताओ अब सेकंड किसको उठाएंगे? प्लस A22 को, तो ये लिखेंगे प्लस A22। अब इस
नंबर के करस्पोंडिंग रो छुपा दो, इस नंबर के करस्पोंडिंग कॉलम छुपा दो, कॉर्नर के चार नंबर बचेंगे, A11, A13, A31, A33। अब लास्ट बताओ बच्चों किसको लिखेंगे, माइनस A32 को, तो यहाँ लिखा माइनस A32। अब इसके करस्पोंडिंग रो छुपाओ, कॉलम छुपाओ, तो A11, A13, A21, A23, तो यहाँ आएगा A11, A12, A21, A22। ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो आप इस डिटरमिनेंट को इसी तरीके से छह तरीकों से एक्सपांड कर सकते हो। मैंने आपको R1 से समझाया, R3 समझाया, C2 समझाया, आप इन तीनों से जो बच गए हैं उनसे आप ट्राई कीजिएगा और आपसे भी बन जाएगा। तो बच्चों आपको एक्सपांशन समझ में आया कैसे एक्सपांड करते हैं, अब हम इसके एग्जाम्पल्स करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसके क्या करते हैं एग्जाम्पल। चलिए बच्चों लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमिनेंट 3-4, 5-1-1-2, 2-3-1। तो बच्चों हमें ये वाला डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, बच्चों हमें ये वाला डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आप बताओ सबसे पहले डिटरमिनेंट को आप क्या मान के चलो, सबसे पहले डिटरमिनेंट को आप डेल मान के चलो। अब बच्चों इस डिटरमिनेंट को आप किसी भी तरीके से एक्सपांड कर सकते हो, जो आपके मन में आए उससे कर दो। तो अपन तो R1 से ही करते हैं, तो लिखेंगे सॉल्विंग फ्रॉम R1। अब आप बताओ R1 मतलब होती है पहली रो, तो पहली रो क्या हो गई ये वाली, तो इस पर इसके एलिमेंट पर सर्कल बना दो। और बताओ इसका साइन क्या होता है, इसका साइन होता है प्लस, मैं यहाँ पर साइन बना दूँ, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो बताओ इसका साइन क्या होता है प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस। तो जल्दी बताओ बच्चों, वन बाय वन करके सबको उठाएंगे। तो बच्चों पहले किसको उठाएंगे, पहले उठाएंगे 3 को, और 3 का साइन क्या है प्लस। अब ध्यान रखना जिसको उठाया है उसके करस्पोंडिंग रो छुपाओ, तो बच्चों इसकी रो छुपाओ और इसका कॉलम छुपाओ, तो ये चार लोग बचेंगे। तो ये चार लोग का डिटरमिनेंट बना दो, डिटरमिनेंट बना दो 1-2-3-1। अब बताओ नेक्स्ट किसको उठाएंगे, माइनस 4 को, और माइनस के ऊपर एक और माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब इसके करस्पोंडिंग रो छुपा दो और इसके करस्पोंडिंग कॉलम छुपा दो, तो ये चार नंबर बचेंगे, बताओ क्या बचा, 1-2-2-1। अब किसको लेंगे, प्लस 5 को, अब प्लस 5 के करस्पोंडिंग ये रो छुपा दो, प्लस 5 के करस्पोंडिंग ये कॉलम छुपा दो, अब इसका डिटरमिनेंट बनेगा 1-1-2-3। आया बच्चों, अब इसका इनटू से करो, ब्रैकेट लगाओ, 1 का इनटू 1 से 1, फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस, और ये माइनस क्या हुआ प्लस, 3 इंटू 2 6। 1 का इंटू 1 से 1, फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस, और ये माइनस क्या हुआ प्लस, 2 का इंटू 2 से 4, 5 बाहर, 1 का इंटू 3 से 3 -2, तो 6+1 7, 7 इंटू 3 21, 4+1 5, 5 इंटू 4 20, 3-2 1, 1 इंटू 5 5, 20+5 25+21 46। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 3-1-2 0-0-1, 3-5 0। चलिए बच्चों अब आप इस डिटरमिनेंट को देखो, इस डिटरमिनेंट को आप किसी भी रास्ते से एक्सपांड कर सकते हो, R1 से भी कर सकते हो, R2 से भी कर सकते हो, R3 से भी कर सकते हो, C1, C2, C3 से भी कर सकते हो। अब जरा दिमाग से सोचो, अगर हम किसी भी रास्ते से एक्सपांड कर सकते हैं तो क्यों हम ऐसे रास्ते से करें जहाँ से हमें ईजी पड़े। तो बच्चों बताओ यहाँ पर सबसे ज़्यादा जीरो कहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि जीरो कम
इनटू करते हैं किसी से जीरो आता है। अगर हम जीरो वाले रास्ते से एक्सपांड करेंगे तो मैक्सिमम आंसर जीरो मिलेंगे। तो बच्चों बताओ यहाँ पर सबसे ज़्यादा जीरो सेकेंड रो में आ रहा है, सबसे ज़्यादा जीरो आपको कहाँ मिल रहा है, सेकेंड रो में। अगर हम सेकेंड रो से एक्सपांड करेंगे तो हमें इन तीनों एलिमेंट से एक्सपांड करना होगा, जिसमें स्टार्टिंग के दो एलिमेंट तो जीरो है। इसका मतलब इससे जब एक्सपांड करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, क्योंकि जीरो को लिखेंगे बाहर तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलना है, जीरो। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर आप जीरो से एक्सपांड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि जीरो तो बाहर लिखाएगा। और जब जीरो बाहर लिखाएगा तो यहाँ पर कुछ भी लिखे मल्टीप्लाई तो जीरो से होगा तो जीरो आएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, ऐसे रास्ते को सिलेक्ट करो जहाँ पर आपसे आप कैलकुलेशन ईजी पड़े। तो हम इस सवाल को किससे एक्सपांड कर रहे हैं, R2 से। तो बच्चों लिखो सॉल्विंग फ्रॉम R2, इसको डेल मान लो। अब आप बताओ बच्चों, आप किससे एक्सपांड कर रहे हो, R2 से। अगर R2 से एक्सपांड कर रहे हो तो ये सेकेंड रो है, और सेकेंड रो में दो तो जीरो आ गए। जब ये जीरो आया तो इसका आंसर जीरो आएगा, क्योंकि जीरो से एक्सपांड करेंगे तो कैलकुलेशन जीरो होगा, इससे भी क्या होगा, जीरो। बस आपको केवल किससे करना बचेगा, -1 से। और आप बताओ, सबके साइन बता दो, इसका साइन क्या होता है, सॉरी इसका साइन होता है इरा, इसका साइन होता है माइनस, यहाँ लिख दूँ माइनस, इसका साइन क्या होता है प्लस, और इसका साइन क्या होता है माइनस। अब बच्चों इससे एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जीरो से करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। इससे भी एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जीरो से करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। केवल आपको किससे एक्सपांड करना है, -1 से। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, तो बाहर आएगा +1। ठीक है बच्चों, अब इसके करस्पोंडिंग रो छुपा दो और इसके करस्पोंडिंग कॉलम छुपा दो। तो बताओ, इसके करस्पोंडिंग रो छुपा दो तो ये वाली रो छुपा दो, और इसके करस्पोंडिंग कॉलम छुपा दो तो ये रो गई, ये कॉलम गया, तो ये चार नंबर दिखेंगे, बचेंगे। तो बताओ चार नंबर क्या है, 3 -1 3 -5, आया समझ में। तो बताओ बच्चों, बाहर तो 1 चल रहा है, अब इसका इंटू करो, 3 का इंटू -5 से, माइनस का 15, फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, और 3 का इंटू 1 से करो तो आएगा 3, तो आंसर आया -12। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बच्चों लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटर्मिनेंट 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। तो बच्चों इसको तो आप कहीं से भी एक्सपांड कर सकते हो, क्योंकि हर रास्ते में एक जीरो मिलेगा। अगर आप R1 से एक्सपांड करोगे तो वहाँ भी एक जीरो है, R2 से करोगे तो वहाँ भी एक जीरो है, R3 से करोगे तो वहाँ भी एक जीरो है, C1 से करोगे तो वहाँ भी एक जीरो है, C2 से करोगे तो वहाँ भी जीरो है, C3 से करोगे तो वहाँ भी एक जीरो आ रहा है। तो आप किसी भी रास्ते को पकड़ लो, जिसको आपको पकड़ना है। चलो मैं इस सवाल को C1 से करवाता हूँ, मैं इस सवाल को किससे करवा रहा हूँ, C1 से। तो बच्चों ये डिटर्मिनेंट हम C1 से करेंगे। तो बच्चों एक लाइन लिखना पड़ेगी, सॉल्विंग फ्रॉम C1। अब आप बताओ कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको C1 से सॉल्व करना है तो C1 के एलिमेंट पर सर्कल लगा दो, C1 के एलिमेंट पे क्या लगा दो, सर्कल। अब आपको उसका साइन लिखना है, तो बताओ C1 के साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर साइन लिख दो, प्लस माइनस प्लस। अब एक बात ईमानदारी से बताओ कि पहला एलिमेंट क्या है, पहला एलिमेंट जीरो है, और जीरो से अगर आपने एक्सपांड किया तो आंसर क्या आएगा, जीरो। आरएसएन में चलो एक काम करता हूँ, लिख के बताता हूँ जीरो के साथ है। जैसे आपने जीरो से एक्सपांड किया तो आप इसको उठाएंगे तो प्लस जीरो उठाया, ठीक है। अब आपने इसकी रो छुपाई तो इसकी रो गई, इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, तो ये चार लोग बचेंगे। तो चार लोग क्या है, 0 -3 3 0। अब इसका जो भी कैलकुलेशन होगा उसका बाद में जाके जीरो से तो कैलकुलेशन हो गई ना, इसलिए ये एलिमेंट क्या आएगा, जीरो। चलिए लिख दिया मैंने आपको समझाने के लिए। अब बताओ सेकेंड एलिमेंट क्या है, -1, और इसका साइन क्या है, माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1। अब इसके करस्पोंडिंग रो छुपाओ, अब ये वाली रो छुपा दो,
ये वाली रो छुपा दो, ये वाला कॉलम छुपा दो, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, तो बताओ ये रो ये कॉलम, तो 1, 2, 3, 0 आएगा। ठीक है बच्चों, अब किसको पिक करेंगे, किसको उठाएंगे, माइनस टू को, माइनस टू, और माइनस टू का साइन तो प्लस ही है, तो माइनस टू ही आएगा। अब इसकी रो गई, तो बच्चों ये रो गई, ये कॉलम गया, तो क्या आएगा, 1, 2, 0, -3। बच्चों ये तो जीरो आना है, क्योंकि इसके बाहर मल्टीप्लाई जीरो से हो रहा है, तो ये तो जीरो आया। अब ये वाला करना है, तो 1, 1 का 2 0 से 0, 3 का 2 से 6, 1 का 2 -3 से -3, 0 का 2 से 0, तो ये आया -6 × 1 -6, ये हो गया -2 × -3 + 6, तो कैंसिल। तो बच्चों इसका आंसर आ गया 0। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देख लीजिए इसको अच्छे से। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन को कहाँ से एक्सपांड करें। सोचिए कहाँ से एक्सपांड करें कि आपको इजी लगेगा। तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों, आप इसको कॉलम 3 से करो, कि कॉलम 3 से एक्सपांड करेंगे तो उसके नंबर भी छोटे हैं इनके कंपेयर में, इनके कंपेयर में नंबर भी छोटे हैं, और एक जीरो भी आ रहा है, और कॉलम 3 से कर लो। या फिर आप R2 से भी कर सकते हो, क्योंकि R2 में भी नंबर छोटे हैं और R2 में भी एक जीरो आ रहा है, तो आप इसको कॉलम 3 से भी एक्सपांड कर सकते हो, या कॉलम या रो 2 से भी कर सकते हो, दोनों से ही इजी पड़ेगा। तो मैं आपको करवा रहा हूँ कॉलम 3 से एक्सपांड। एक्सपांड करने से पहले आप साइन लिख लीजिए। तो बच्चों साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो बच्चों बताइए हम इस सवाल को किससे एक्सपांड कर रहे हैं, कॉलम 3 से। हम किससे एक्सपांड कर रहे हैं, कॉलम 3 से। तो कॉलम 3 के एलिमेंट पर सर्कल लगा दो। अब बताइए इन कॉलम 3 के साइन क्या है, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस, और जीरो से तो हमको एक्सपांड करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो से तो आंसर जीरो आ जाएगा। चलिए बच्चों, तो हमको केवल इन दो से एक्सपांड करना है। तो हम एक लाइन लिखेंगे, इसको नाम दे दो डेल। अब एक लाइन लिख दो, सॉल्विंग फ्रॉम C3। तो बच्चों बताओ, अगर आप C3 से सॉल्व कर रहे हो, एक्सपांड कर रहे हो, तो पहले किसको उठाएंगे, पहले उठाएंगे माइनस साइन अल्फा को, और इसका साइन प्लस है, तो प्लस माइनस तो माइनस ही आएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस का साइन अल्फा। अब बच्चों जिसको उठाते हैं उसकी रो छुपा दो, तो बच्चों ये रो गई और ये कॉलम गया, तो जिसको उठाया है, जिसको उठाया है उसकी रो छुपा दो, तो ये रो गई ये कॉलम गया, तो ये चार नीचे वाले एलिमेंट बचेंगे। अब इनका डिटर्मिनेंट बना दो, तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन बीटा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जीरो को तो करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जीरो से आंसर जीरो आएगा, इसलिए इसको स्किप कर दो। अब हम किसको उठाएंगे, कॉस अल्फा को, और कॉस अल्फा का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस कॉस अल्फा। अब जिसको आपने उठाया है उसकी रो छुपा दो, जिसको आपने उठाया है उसकी रो छुपा दो, कॉलम छुपा दो, तो आपको ये चार लोग दिखेंगे। तो एक दिख रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। ठीक है बच्चों, अब ऑर्डर 2 डिटरमिनेंट बताओ कैसे सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करते हैं, लेफ्ट टॉप से, तो इसका इनटू इससे करो, इसका इनटू इससे करो, और एक फॉर्मूले का माइनस, इसका इनटू इससे करो, इसका इनटू इससे करो, और एक फॉर्मूले का बीच में क्या आएगा, माइनस। तो चलिए बच्चों करते हैं, तो जल्दी बताओ यहाँ पर बाहर क्या चल रहा है, इक्वल टू में डेल चल रहा है, बाहर चल रहा है माइनस का साइन अल्फा। अब माइनस साइन बीटा का अगर इससे इनटू करेंगे, तो मेरे हिसाब से आपके हिसाब से माइनस ही आएगा, और साइन अल्फा अकेला बच जाएगा, और साइन बीटा इनटू साइन बीटा कितना होता है, साइन स्क्वेयर बीटा। ठीक है बच्चों, अब बीच में क्या आएगा, फॉर्मूले का माइनस। ठीक है बच्चों, ये क्या है, फॉर्मूले का माइनस है ना, ये फॉर्मूले का माइनस है, क्वेश्चन में नहीं है, है ना, यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, ये भी मिटा देता हूँ। ठीक है, तो
तो बीच में क्या आएगा, फॉर्मूले का माइनस। अब इसका इंटू से करो तो साइन अल्फा और कॉस बीटा का कॉस बीटा से करा तो आएगा कॉस स्क्वेयर बीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ क्या चल रहा है, प्लस कॉस अल्फा। अब बताओ इसका इंटू से करा तो कॉस अल्फा और कॉस बीटा का कॉस बीटा से करा तो कॉस अल्फा कॉस स्क्वेयर बीटा और फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस और ये क्वेश्चन में माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। अब इसका इंटू से करो तो कॉस अल्फा और साइन बीटा का साइन बीटा से साइन स्क्वेयर बीटा। ठीक है बच्चों, अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में माइनस साइन कॉमन आ रहा है और साइन अल्फा भी कॉमन आ रहा है, तो आप माइनस साइन अल्फा कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो, माइनस साइन अल्फा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और साइन अल्फा पहले से बाहर है तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या होगा, साइन स्क्वेयर अल्फा। अब यहाँ बचेगा साइन स्क्वेयर बीटा, प्लस हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन लिया है और साइन अल्फा कॉमन लिया है तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वेयर बीटा। ठीक है बच्चों, अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या लिया, कॉस अल्फा और बाहर जाके कॉस स्क्वेयर अल्फा हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस साइन स्क्वेयर बीटा, कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस साइन स्क्वेयर बीटा। अब बताओ ये तो वन होता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, तो साइन स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा क्या होता है, वन, और वन का इंटू साइन स्क्वेयर अल्फा से करेंगे तो साइन स्क्वेयर अल्फा आएगा, और ये भी बच्चों वन होता है, वन का इंटू कॉस स्क्वेयर अल्फा से करेंगे तो कॉस स्क्वेयर अल्फा आएगा, और लास्ट में ये मिलके वापस क्या होगा, वन। तो बच्चों आ गया आंसर वन। बच्चों लिखना है लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में आ गया था। ठीक है बच्चों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट टाइम पे है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को वेरी मोस्ट टाइम पे लिख लो और इसको समझने की कोशिश करो। आपको ये प्रूव करना है कि जो डिटर्मिनेंट गिवन है ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, इसका मतलब इसका जो आंसर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा प्रूव करना है। अब पहले तो मैं बता दूं, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब है थीटा में आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि थीटा से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, थीटा से आज़ाद होना चाहिए। तो बच्चों इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि थीटा में नहीं आना चाहिए। एक काम करते हैं, इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट बना दो एक मिनट के लिए। अब बताओ डिपेंडेंट मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट मतलब होता है थीटा पे डिपेंड करना चाहिए, थीटा पे निर्भर होना चाहिए। तो बताओ अगर थीटा पे डिपेंड करना चाहिए तो आंसर थीटा में आना चाहिए, अब आया सर में। तो बताओ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, थीटा में नहीं आना चाहिए। तो बच्चों ये लाइन का मतलब होता है आंसर में थीटा नहीं आना चाहिए, आंसर नॉट इन थीटा, ध्यान रखना बच्चों। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि आंसर में थीटा नहीं आना चाहिए, रट लो, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब आंसर नॉट इन थीटा। तो हमें इस डिटर्मिनेंट का आंसर थीटा में नहीं लाना है, ऐसा प्रूव करना है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मतलब इस डिटर्मिनेंट का आंसर थीटा में नहीं आना चाहिए, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो बच्चों करते हैं, चलिए तो लिखिए इसका आंसर। तो सबसे पहले इसको नाम दे दो डेल, इसको नाम दे दो टेल। अब बच्चों इसको आप कहीं से भी एक्सपांड कर सकते हैं, तो अपन तो आर वन से ही करते हैं। तो बच्चों लिखिए ऑन सॉल्विंग फ्रॉम आर वन। अब आप पहले साइन बना दीजिए, तो साइन तो याद हो गए होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अपन किससे एक्सपांड कर रहे हैं, R1 से। तो बताओ R1 के एलिमेंट कौन है, एक तो एक से, एक तो साइन थीटा है, एक कॉस थीटा है, और इन तीनों के करस्पोंडिंग साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस। चलिए बच्चों अब जल्दी जल्दी करते हैं, तो आप मुझे बताओ पहले किसको लेके चलेंगे, प्लस x को लेके चलेंगे, जल्दी करें क्या डायरेक्ट, चलो डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट का मतलब मैं इनटू भी कर दूंगा। तो बताओ हमने किसको लेके चला, एक्स को, तो एक्स की रो गई, एक्स का कॉलम गया। अब इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस एक्स का इनटू एक्स से कर सकते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस एक्स का इनटू एक्स से तो आएगा माइनस का एक्स स्क्वेयर,
फॉर्मूले का माइनस और वन का इंटू वन से वन, ठीक है बच्चों, हो गया। अब हम किसको लेके चलेंगे, माइनस साइन थीटा को, तो आएगा माइनस का साइन थीटा। अब बताओ ये साइन थीटा की रो गई, तो ये वाली रो गई और ये वाला कॉलम गया, तो बच्चों बताओ इसको मिटा दो। अब इसका इंटू इससे होगा, इसका इंटू इससे होगा, इसका इंटू इससे होगा, इसका इंटू इससे होगा, तो माइनस साइन थीटा का इंटू एक से होगा, तो माइनस जमा के लिखो, एक्स को आगे लिखो, एक्स साइन थीटा, ठीक है बच्चों, फॉर्मूले का माइनस। अब कॉस थीटा का इंटू वन से करो तो आएगा कॉस थीटा। अब नेक्स्ट किसको लेके चलेंगे, प्लस कॉस थीटा को, बच्चों इसको मिटा दो पहले तो, ठीक है। अब हम किसको लेके चलेंगे, कॉस थीटा को, तो इसकी रो छुपा दो, तो ये वाली रो गई, ये वाली रो गई, ये वाला कॉलम गया, तो ये रो गई कॉलम गया, तो ये चार लोग बचे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो माइनस साइन थीटा का इंटू वन से करा तो आएगा माइनस साइन थीटा, फॉर्मूले का माइनस। अब ये फॉर्मूले का माइनस और एक माइनस यहाँ भी आ रहा है, तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस। अब एक्स का इंटू कॉस थीटा से करो तो आएगा एक्स कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। अब x का मल्टीप्लाई करो, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x क्यूब, x का माइनस वन से माइनस का x, माइनस साइन थीटा का इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन थीटा का इससे करेंगे तो x ही रहेगा, और साइन इंटू साइन क्या होता है, साइन स्क्वेयर थीटा। अब माइनस साइन थीटा का इससे करो तो प्लस हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब बताओ इधर करो, इसका इंटू इससे करो तो माइनस कॉस थीटा का इससे करा तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और इसका इंटू इससे करो तो आएगा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। तो ये टर्म कैंसिल हो रहा है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल। अब बच्चों इन दोनों में एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ चल रहा है माइनस का एक्स क्यूब, माइनस का एक्स, और इन दोनों में कॉमन क्या लिया, एक्स कॉमन लिया, तो एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो वन होता है, आया समझ में। तो आपने कॉमन क्या लिया, एक्स कॉमन लिया, तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, मतलब एक्स ही बचेगा, और एक्स से एक्स क्या हुआ, कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया, माइनस एक्स क्यूब, मतलब आंसर एक्स में आ रहा है, आंसर एक्स में आ रहा है, चलेगा। आपने को क्या प्रूव करना है, थीटा में नहीं आना चाहिए, इसका मतलब आपने क्या प्रूव कर दिया, इम्प्लाइज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है, तो ये आपने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो बच्चों लिखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इफ ए इक्वल टू वन वन माइनस टू, टू वन माइनस थ्री, फाइव फोर माइनस नाइन, फाइंड डिटर्मिनेंट ए। चलिए बच्चों सेम क्वेश्चन है, तो बताओ एक मैट्रिक्स गिवन, ध्यान रखना यहाँ पर अंदर से ब्रैकेट मुड़ा हुआ है, यहाँ पर ब्रैकेट अंदर आ रहा है, ये मैट्रिक्स हुआ, तो बच्चों ये क्या हुआ, मैट्रिक्स, और हमें निकालना है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ध्यान रखना अभी ये मैट्रिक्स है, इसको एक्सपांड नहीं कर सकते, लेकिन आप इसके डिटर्मिनेंट को जरूर एक्सपांड कर सकते हो। तो बच्चों हमें निकालना है डिटर्मिनेंट, तो इस मैट्रिक्स के आइट साइड दो वर्टिकल डंडे बना दो, और हमें इधर भी बना दो, तो क्या आएगा, वन वन माइनस टू, टू वन माइनस थ्री, फाइव फोर माइनस नाइन। तो बच्चों आर वन से ही एक्सपांड करते हैं, सॉल्विंग फ्रॉम आर वन से ही करते हैं, क्यों बाद में से करें, आर वन से ही करते हैं। चलिए तो बच्चों आर वन से करते हैं, तो एक बार वन से करेंगे, एक बार वन से करेंगे, एक बार माइनस टू से करेंगे, इसका साइन प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, तो जल्दी बताओ पहले किसको लेंगे, प्लस वन को। अब ये गया, ये गया, तो यहाँ इंटू होगा माइनस का नाइन, फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस क्या हुआ, प्लस, यहाँ होगा बारह, ठीक है। अब किसको लेंगे, माइनस वन को, तो ये रो गई कॉलम गया, तो दो का इंटू, दो का इंटू माइनस नौ से माइनस का एटीन, फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस क्या हुआ, प्लस, और पाँच का इंटू तीन से पंद्रह। अब करेंगे किससे बच्चों, माइनस टू से, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, तो दो का इंटू चार से आठ, आठ माइनस पाँच,
तो बच्चों 12 में से होगा 3, 3 इंटू 1 3, माइनस 18 प्लस 15 माइनस का 3 प्लस का 3, 8 माइनस 5 3, 3 इंटू माइनस 2 6, तो 6 में 6 0। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आया समझ में। अब हम आगे पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में डिफरेंसेस क्या होते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं, ये आईएमपी है, फिर डिफरेंसेस पढ़ेंगे। तो बच्चों एक क्वेश्चन और कर लो, इसको आईएमपी लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसके बाद हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंसेस देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो बच्चों पहले ये क्वेश्चन करते हैं, एक ए मैट्रिक्स है और हमें प्रूव करना है डिटर्मिनेंट 3A इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ए। तो बच्चों सबसे पहले जो प्रूव करना है उसको ध्यान से देखो, इसमें जो जो लिखा है हमें फाइंड करना है, मतलब पहले ए फाइंड करना है, तो ए तो गिवन ही है, ए के अंदर 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों पहले हम 3A फाइंड करेंगे, बच्चों हम पहले क्या फाइंड करेंगे, 3A, 3A मतलब होता है 3 का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो, 3A का मतलब होता है 3 का, A का मतलब होता है 3 का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो। तो मैट्रिक्स क्या है, 101, 012, 004। बच्चों इस पूरे मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लाई करो तो बताओ क्या आएगा, मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लाई करना है, ये मैट्रिक्स अपने पढ़ाया था, तो 3 का सबसे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ 303, 3 का इंटू 0 से 0, 36, 0012। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर किसका आया, 3A का। अब इस 3A का डिटर्मिनेंट निकालना है, समझे, इस 3A का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो बच्चों अब हम निकालते हैं 3A का डिटर्मिनेंट, मतलब इसका डिटर्मिनेंट। अब मैट्रिक्स सिंबल हटा दो और डिटर्मिनेंट बना दो, समझ में आ रहा है, कब हटाना है कब नहीं हटाना है। यहाँ पर मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी मैट्रिक्स है, लेकिन अब इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो अब हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे, तो इसका भी डिटर्मिनेंट बना दो, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब बच्चों इसको कहाँ से एक्सपांड करें, एक काम करते हैं, इसको R3 से एक्सपांड करते हैं, इसको कहाँ से एक्सपांड करते हैं, R3 से, क्योंकि R3 में दो जीरो आ रहे हैं, और आप बताओ यहाँ पर साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, तो आपको जीरो से तो एक्सपांड करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो से तो आंसर जीरो आएगा, इससे भी जीरो आएगा, केवल किससे एक्सपांड करना पड़ेगा, 12 से, और 12 का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस 12। अब इसकी रो छुपा दो, इसका कॉलम छुपा दो, अब इन चारों का फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3 का इंटू 3 से 9, और 0 का इंटू 0 से 0, तो बच्चों यहाँ 9 बचा, 12 का 9 से इंटू करो, बताइए 108। तो बच्चों ये जो आपका आंसर आया है, ये जो आंसर आया है डिटर्मिनेंट 3A का आया है, मतलब ये आ गया LHS, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब बच्चों अब हम RHS को देखेंगे, तो RHS में 27 लिखा है, और 27 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, डिटर्मिनेंट A से। तो बच्चों पहले हमको डिटर्मिनेंट A कैलकुलेट करना है, पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट A, इसका जो आंसर आएगा उसमें 27 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें 108 मिलना चाहिए। तो बच्चों पहले तो हम A का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेंट मतलब वर्टिकल डंडे। तो बचाओ, तो बच्चों बताओ 101 का डिटर्मिनेंट बना दो, 012 004, इसको भी कहाँ से एक्सपांड करें, इसको भी R3 से एक्सपांड कर दो, क्योंकि R3 में दो जीरो आ रहे हैं, कहीं से भी कर सकते हैं ऐसे तो, लेकिन जहाँ से इजी पड़े वहाँ से कर दो। तो बच्चों यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, तो हम किससे करेंगे, इससे तो करेंगे तो जीरो आएगा, इससे करेंगे जीरो आएगा, तो हमें केवल किससे करना है, 4 से, और 4 का साइन क्या है, प्लस 4, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, जिससे करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग रो हटा दो, कॉलम हटा दो। अब इसका इंटू इससे करो, इसका इंटू इससे करो, 1 × 1 1 माइनस 0, तो आंसर आ गया 4। तो बच्चों अब हम लेके चलेंगे RHS, तो जल्दी से बताओ RHS क्या है, 27 डिटर्मिनेंट A,
27 को 27 लिखो और ए का डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया 4, तो 27 इंटू 4 108 और ये आ गया RHS, इसको इक्वेशन 2 दे दो, ये भी 108 आया, ये भी 108 आया, तो बच्चों LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। बच्चों लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो। अब हम आगे के टॉपिक की ओर चलते हैं जिसमें हम बताएंगे डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में डिफरेंसेस क्या है। तो बच्चों ये लिख लो, लिख लो, लिख लो। चलिए बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो पसंद आया या नहीं पसंद आया। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, थैंक यू।